नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं जनपद बहराइच थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहरिया के मजरा बढ़िया में। और आपको बता दें कि कल शाम यानी कि 11 तारीख की शाम तकरीबन 7 बजे एक बच्ची जो अपने घर से पानी लेने के लिए ही करीब के सरकारी बम्बे के पास गई थी और वहीं से लापता हो गई, जिसका शव आज 12 तारीख की सुबह तकरीबन 7 बजे यहां गांव के लोग शौच करने के लिए खेत की तरफ गए थे और वापस लौट रहे थे, यहीं पे उस बच्ची का शव तालाब के पास उतराता हुआ मिला है। और आपको दिखा सकते हैं कि ये हमारे लेफ्ट साइड में ये प्राथमिक विद्यालय बढ़िया है और ये पीछे तालाब बना हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं, इस साइड में वो तालाब है जहाँ पर अभी भी बच्ची का शव पड़ा हुआ है। हालाँकि रामगांव थाना की पूरी टीम और दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम आ चुकी है। अभी यहाँ पर फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। काफ़ी ग्रामीण तकरीबन यहाँ पे 400 से 500 की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं और परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे हुई घटना, क्या किसी पर शक है, या बच्ची किस दिन गायब हुई, कैसे कहाँ पर गुमशुदगी लिखाई गई या फिर नहीं लिखाई गई। आइए, इनके परिजन यानी कि पिताजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीतना। कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया। थाना आपका कौन सा? रामगांव। ये जो आज बच्ची का शव तालाब में गांव के पास उतराता हुआ मिला है, ये बच्ची आप ही की है? हाँ जी। कैसे, कब गायब हुई बच्ची? शाम को 7 बजे, कल 11 तारीख को। हाँ जी। और फिर आज सुबह उसकी लाश मिली है? सुबह लाश मिली है। हाँ, खोजे बाग में, खोजे इधर उधर, खोजे नहीं मिले, तो उसको गायब होने पर हमको शक हुआ, इसलिए मैं गए वहाँ रामगांव थाने गए, गमरा चौकी गए, वहाँ गए, जब वहाँ लिखवा दो, यहाँ कुछ नहीं हो, वहाँ गए, कोई लिखने वाला कोई है ही नहीं, सुबह दरखास्त देना। आपकी गुमशुदगी भी नहीं लिखी गई थाने में? कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आपने गांव के चारों तरफ सब जगह ढूंढा, लेकिन बच्ची नहीं मिली? बच्ची नहीं मिली। आज बच्ची किसके द्वारा बताई गई कि बच्ची वहाँ पर पड़ी हुई है? लोग परिजनों द्वारा लेटरिन बाथरूम करने आए हैं, वहाँ गाँव के लोग वहाँ देखे जी, तो उसको गए वहाँ बताए। अच्छा, आपको क्या किसी पर शक है या क्या लगता है, आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहा होगा? क्या शक नहीं सर किसी के ऊपर। क्या कुछ विचार आ रहे हैं आपके मन में, क्या हो सकता है? विचार कोई नहीं हो सकता, लेकिन उचित रूप से कार्रवाई किया जाए, जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। लेकिन इनका साफ शब्दों में कहना है कि हमें शक तो किसी पर नहीं है, यानी कि किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहते हैं। हालांकि जो बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और संदिग्ध हालत में उसका तालाब में शव मिला है, जिसको लेकर ये उसका पीएम कराकर जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर जनता उपस्थित है। हालाँकि यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद इस गाँव में तीसरी घटना, यानी कि इससे पहले भी जो हमारे लेफ्ट साइड में प्राथमिक विद्यालय बढ़िया बना हुआ है, यहाँ पर जो रसोईया का घर होता है वहाँ पर एक बच्ची का शव मिला था पिछले साल में, है भैया? पिछले साल मिला था जी। जी, 14 वर्षीय वो भी बच्ची थी और ये भी तकरीबन 13 से 14 ही वर्ष की वो बच्ची है, जिसका इस बार भी शव यहाँ पर मिला है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। क्या जो इससे पहले शव मिला था उसका खुलासा हो पाया, कोई पकड़ा गया था? नहीं पकड़ा गया था। अच्छा, इससे पहले तो कब किस बच्ची का शव मिला था, कब मिला था? पकड़ा गया था। उसका नाजायज संगति में नाजायज उसी का भाई को जेल भेज दिया गया, गलत तरीके से पुलिस जो है रिपोर्ट लगा करके उसी के भाई को भेजा गया। अच्छा, मतलब जो दोषी करार हो गया था उसको छोड़ दिया गया और जो दोषी नहीं था उसको जेल भेज दिया गया। अच्छा, निर्दोष को जेल भेज दिया गया था। इसी को लेकर इनका ये कहना है कि किसी को लेकर पुलिस की मिली भगत से दोषी को छोड़ दिया गया और जो निर्दोषी थे उसको जो है जेल भेज दिया। क्या था वो मामला, कैसे मिला था, सो क्या कुछ था मामला? अब हाँ, यही जो है मिला था। अब ये पूरी और कह रहे हैं कि ये तीसरी घटना है, और कोई और दूसरी घटना कौन सी थी? नहीं, और तो हमको पता। अच्छा, ठीक है। देखिए, इनका इसलिए साफ शब्दों में ये कहना है कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। हालांकि जो ग्रामीण है, जो यहाँ के गांव वाले, उनका कहना है कि एक निर्दोष को फंसाकर जेल भेजा गया था और उसके भाई को ही भेजा गया था। इसी को लेकर इनका कहना है कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, जाँच की जाए, पीएम रिपोर्ट आए, उसके बाद में मालूम पड़े कि कौन दोषी कौन नहीं या कैसे इनकी मौत हुई। हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसको लेकर अभी भी फॉरेंसिक टीम मौके पर नहीं पहुंची है और थाना रामगांव की टीम पहुंच चुकी है। बढ़िया में आपके द्वारा जो बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, तालाब में जो निकाला गया, आपके द्वारा क्या कुछ दिखा आपको उसमें? हाँ, पूरा वोट ये सूजा है, खून लगा है। हाँ, ये फिल्ली पे चोट लगा, ये पसरी में चोट लगा है। ओंट से खून निकल रहा है? हाँ। और शरीर के किसी अंग पे कोई चोट? और नहीं हमें पता है सर। शरीर पीठ पे क्या है? खाली चोट लगा, उसके चोट लगा हुआ। हाँ, झक्का झोरी किए हैं जो। हाँ, ओंट पे कैसा, क्या है ये? मुक्का का मार है। मुक्का का मार है। हाँ, खून निकल रहा है, सूजा हुआ। हाँ। लड़की के कौन है आप, किस प्रकार से संबंधित हैं आप? फूफा। आप लड़की के फूफा हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? बिश्नापुर में। बिश्नापुर में रहते हैं। अच्छा।